ये लेडी भी डीएक्सएन का मेंबर नहीं है, लेकिन ये लेडी का हस्बैंड डीएक्सएन का डायमंड था, 10 साल पहले मर चुका है, लेकिन ये लेडी को हर महीने अभी $5,000 मिल रहा है। $5,000 10 साल पहले डायमंड ने मर चुका है, 10 साल पहले, लेकिन हस्बैंड मर चुका है, लेकिन अभी भी हर महीने $5,000 आते हैं, और हर साल फ्री ट्रिप इंटरनेशनली अपने बच्चे के साथ जा रही है। इसको बोलते हैं डीएक्सएन सिस्टम। ये बच्चे का स्कूल फीस हमारा डीएक्सएन सिस्टम का बोनस से भरते हैं। वो लोग ग्रोसरी खरीदते हैं हमारे डीएक्सएन सिस्टम का बोनस से। ये $5,000 मतलब नेपाल में भी बहुत अच्छा इनकम है ना। दस साल पहले आदमी मर चुका है, हम सब लोग हमारा मुल्क फैमिली छोड़ के इधर आके काम कर रहा है, लेकिन एक तो एक दिन हम सब लोग जाना पड़ेगा। उसी टाइम आपका फैमिली के लिए, आपका बच्चों लोगों के लिए, बीवी के लिए और माँ बाप के लिए क्या छोड़ के जा रहा है, ये आप सोच लीजिए। और आप अभी जॉब करते हैं, अगर जॉब को कुछ हो गया तो इनकम किधर से मिलेगा। अभी इधर गुण बहादुर जी बैठ रहा है, डीएक्सएन सऊदी से शुरू किया, नेपाल गया, नेपाल में भी इनकम मिल रहे थे, और अभी दुबई में आया, काम नहीं कर रहा है, डीएक्सएन बिजनेस कर रहा है। Yes, wow. मैं एक दिन दुबई ऑफिस में बैठ रहा था, उसी टाइम एक नेपाली लड़का मेरे पास आया, उसने बताया मैं डीएक्सएन का मलेशिया का मेंबर है, और अभी सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे मलेशिया में, एक दिन टर्मिनेशन हो गया, उधर से छोड़ के वापस नेपाल भी गया, अभी जो नया जॉब ढूंढ के इधर आया है दुबई में, आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए, क्योंकि मैं डीएक्सएन का मेंबर है। तो मैं भी बताया हमारे कॉन्टैक्ट में आपका सीवी भेज दूंगा, सीवी थोड़ा दे दीजिए, कितना है आपका एक्सपेक्टेड सैलरी, उसने बताया 2,000 दिरहम, और उसने ये भी बताया मेरा मलेशिया का बोनस उधर है, अभी अगले महीने से इधर ट्रांसफर करना है, तो हम ट्रांसफर करने का फॉर्म भी भर दिया, और अगले महीने नेक्स्ट महीने ये आदमी का बोनस आया, वो था 22,000 दिरहम। हर महीने 22,000 दिरहम उसका डीएक्सएन इनकम है, लेकिन उसका जॉब का एक्सपेक्टेड सैलरी 2,000 दिरहम है। आप सोच लीजिए, आप सब अभी काम कर रहा है, 2,000 मिल रहा है, 3,000 मिल रहा है, 4,000 मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है, लेकिन 22,000 साइड इनकम मिल रहा है, जिधर भी जाएगा तो ये इनकम आपके साथ साथ आएंगे। Yes. ऐसा एक सिचुएशन आप सोच लीजिए, ये सिस्टम में आप अच्छे तरह काम करेगा तो ये सब पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है। पिछले महीने मैं एक लेडी को मिला, एक लेडी उसकी छोटी डॉटर भी, ये हमारा एक मरा हुआ डायमंड का बीवी था, मैं नाम नहीं ले रहा है, मरा हुआ डायमंड का बीवी था। मैं उससे पूछा आप आपका हस्बैंड का मैं उससे पूछा आप आपका हस्बैंड का बिजनेस क्यों कंटिन्यू नहीं करते हैं, क्यों बोनस नहीं ले रहा है। तो उसने बोला अगर मैं कार में पेट्रोल डाल के डीएक्सएन ऑफिस में आएगा तो मुझे
कम से कम 50 दिरहम का पेट्रोल चाहिए। ये 50 दिरहम का बोनस शायद उधर नहीं होगा। और उसके बाद मैं उसका बोनस चेक किया, मरा हुआ डायमंड का बोनस चेक किया, वो था 12,900 दिरहम। वाओ, 12,900 दिरहम। और अगले दिन उसको दे दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको इसका सीरियसनेस मालूम होना चाहिए। ये सिर्फ नाच नहीं है, ये सिर्फ गाना नहीं है। आप लोग बोलते हैं डीएक्सएल पार्ट टाइम बिजनेस है, पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, ये फुल टाइम बिजनेस भी नहीं है, ये लाइफ टाइम बिजनेस है। yes, yes. हमारा पूरे जनरेशन का बिजनेस है। ये समझ के आप ये बिजनेस करना चाहिए। सब लोग बोलते हैं ये सोप बेचने का काम है, ये सोप बेचने का काम नहीं है। आप लोग बोलते हैं सोप बेचने वाला आ रहा है, ये सोप बेचने का काम नहीं है, ये होप बेचने का काम है। हम होप बेचते हैं। आप भी लोग के जिंदगी में जिसके पास होप नहीं है उसको होप बेचते हैं। आप भी लोग बोलते हैं ये लिंगजी का काम है, लिंगजी का काम है, ये लिंगजी का काम नहीं है, ये लेगेसी का काम है, लेगेसी का काम है। आप भी लोग बोलते हैं ये कॉफी का बिजनेस है, कॉफी का बिजनेस है, ये कॉफी का बिजनेस नहीं है, ये नो फी का बिजनेस है। इसमें नो फी इन्वेस्टमेंट कुछ दे रहा है इधर आप ये सब मिलने के लिए नहीं, एक लाइफ टाइम बिजनेस शुरू करने के लिए इधर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप सब लोग नेपाल छोड़ के अभी इधर आया है, हर साल ऐसे मना रहा है अपने फैमिली के लिए। आप सब लोग को इधर रहने से भी ज्यादा हैप्पीनेस आते हैं जब नेपाल में रहते हैं। नेपाल में अभी हर महीने आपको पैसा मिल रहा है सैलरी की तरह, लेकिन ये पूरे सैलरी आप मुलुक भेज रहा है, इधर कर्जा कर रहा है और कुछ भी बाकी नहीं है। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद फिर भी आप नेपाल वापस जाना पड़ेगा। उसी टाइम नेपाल में एक विलेज में, एक छोटा गांव में, एक छोटा बिस्तर में आप ऐसे बैठ के सोचेगा, ओ वो जमाना कितना अच्छा था, कितने कलरफुल थे, लेकिन अभी पैसा कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन इधर का डीएक्सएल का नेपाली लीडर्स ऐसे नहीं सोचेगा। वो उसके गांव में छोटा एक घर नहीं होगा, उसका बड़ा घर होगा। और हर साल वो दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में घूमने के लिए जाएंगे। वाओ, कम टू नेपाल फर्स्ट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। हम जो आज करना है वो आज ही करना है, कल के लिए नहीं रखना है। कल के लिए रखेगा तो हम भी 20 साल के बाद वो बिस्तर के ऊपर बैठना पड़ेगा। तो वो बिस्तर हमारे जिंदगी से निकालने के लिए आज जो करना है वो करना ही चाहिए। yes. ये डीएक्सएल मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल बिजनेस है, वेरी वेरी सिंपल बिजनेस। ये बात करने का बिजनेस है। इसमें बहुत सारे लेडी लोग इधर बैठ रहा है, ये लेडीज का बिजनेस है क्योंकि वो ज्यादा बात करते हैं। अब भी सही बजाना। ये बात करने का बिजनेस है। हर दिन आप स्ट्रेंजर्स के साथ ये डीएक्सएल के बारे में बात करते रहेगा तो आपके साथ साथ ज्यादा आदमी लोग आपके साथ साथ डीएक्सएल ऑफिस में आते रहेंगे। जब ज्यादा आदमी लोग आपके साथ साथ आते रहेगा तो आपके नंबर के नीचे ज्यादा आदमी लोग ज्वाइन करते रहेंगे, आपके मेंबरशिप के नीचे ज्यादा पॉइंट वैल्यू भरते रहेंगे। जब आपके मेंबरशिप के नीचे ज्यादा आदमी लोग ज्वाइन करते रहेगा और पॉइंट बढ़ते रहेगा, उसी टाइम आपका बोनस ऊपर बढ़ते जाएगा, बढ़ते रहेगा। ये सिंपल बिजनेस है। ये किधर से शुरू करना है? बात करने से।